यशाया है भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 38। यशाया है अध्याय 38। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिया ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं। जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिया बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशाया के पास पहुंचा कि जाकर हिजकिया से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाऊंगा, और अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा, और यहोवा जो अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का तेरे लिए यहोवा की ओर से यह चिन्ह होगा कि मैं धूप घड़ी की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। सो वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहूदा के राजा हिजकिया ने जो लेख उस समय लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था वह यह है, मैंने कहा था कि अपनी आयु के बीचों बीच अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा था मैं यहां को जीवतों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा, मैं परलोकवासियों का साथी होकर मनुष्य को फिर न देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू की नाई उठा लिया गया, मैंने जोलाहे की नाई अपने जीवन को लपेट दिया, वह मुझे तांत से काट लेगा। एक दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांति करता रहा। तब वह सिंह की नाई मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं शुपा बेने व सारस की नाई चुप रहा करता था, और पिंडुक की नाई विलाप करता था। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई है। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो, मैं क्या कहूं। उसने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर जीव की कड़ुआहट के साथ दीनता से चलता रहूंगा। हे प्रभु परमेश्वर, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं, और इन सबों से मेरी आत्मा का जीवन होता है। सो तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़ुआहट मिली, और तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि तूने मेरे सब पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया था। अधोलोक को तेरा धन्यवाद नहीं करता, न मृत्यु तेरी स्तुति करती है। जो कब्र में पड़े हैं वह तेरी अच्छाई की आशा नहीं रखते, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता पुत्रों को तेरी सच्चाई का समाचार देता है। यहोवा मेरा उद्धार करने को तैयार है, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बांजों पर अपने रचे हुए गीत नित गाते रहेंगे। यशाया ने तो कहा था अंजीरों की एक पोटलिस लेकर हिजकिया के दुष्ट फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। और हिजकिया ने पूछा था कि इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा।